अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल रूबी का जहाँ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लाई हूँ पनीर पकोड़ा की रेसिपी। सबसे इजी पनीर पकोड़ा की रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा गाइज। इसके लिए देखिए पनीर लिया है मैंने। इस पनीर में जो स्टफिंग भरूंगी मैं, उस सब के लिए मैंने ये पाउडर मसाले लिए हैं, और जिसमें मैं पनीर को बेसन में डिप करके फ्राई करूंगी। बेसन मैंने घोल लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, पतला हुआ तो ये बेसन पकोड़े से हटकर ऑयल में आ जाएगा और वो गंदा दिखेगा, कोटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी इसकी। इसमें मिर्च, नमक, हल्दी सिर्फ ये है। अभी देखिए जो मैं स्टफिंग इसमें पनीर में लगाकर फ्राई करूंगी ताकि पनीर फीका नहीं लगे आप लोगों को, उसके लिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ देखिए आप। एक चम्मच खटाई, आमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी नमक होता है तो इस वजह से नमक हम कम रखेंगे। हम इसको थोड़ा सा पानी में घोल बना लेंगे इन सब सामान को इसके अंदर फिलिंग करने के लिए। ये देखिए मैं इसमें सारे पाउडर मसाले इस कटोरे में ऐड कर लेती हूँ। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालकर इस बैटर को, ताकि हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ताकि हम पनीर में इसको अंदर भर सके। गाइज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है मैंने सब मसालों का। ये मैं पनीर काट कर इसके अंदर स्टफिंग करूँगी इसकी, ताकि हमारा पनीर अंदर से फीका ना लगे जब हम इसको खाएं। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। आप इसी तरीके से बनाएं। चलिए मैं इस पनीर की कटिंग कर लेती हूँ कि उसमें देखिए इतना चौड़ा तो पनीर आपको कट करना है, ताकि आप इसको जब दोबारा से कट लगा कर ये इसमें स्टफिंग भरेंगे जो मैंने बनाई है, घोल बनाया है, तो वो आराम से लग सके। देखिए मैंने अपने पनीर की कि उसमें कटिंग कर ली है। अब हम इसमें बीच में कट देंगे और इस तरह से ये जो हमने बैटर बनाया है इसको इस पर अच्छी तरह से लगा देंगे। इसी तरह हमें अपने सारे पीसेस पे करना है। चलिए मैं आपको सारे करके दिखाती हूँ ना। ये अंदर सब पेस्ट की फिलिंग कर दी है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से पनीर इसमें मसालों में हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा पनीर मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई करेंगे। देखिए अब हम आपको एक एक पीस बेसन में डालकर, देखिए इस तरह से आप इसकी बेसन में अच्छी तरह से कोटिंग कर लीजिए। और इसको ऐसे छोड़ते जाइए बेसन में। कपिले मैंने हाई करके लो कर लिया है, ताकि पनीर बेसन जल्दी से जले नहीं और अंदर से सिक जाए। देखिए गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। हमें इसको अलट पलट करके सेकना है। देखिए गाइस हमें इसको हाफ डन कुक करना है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, फिर हम दोबारा से और कट करके दोबारा से तेज ऑयल में डालेंगे फ्लेम पर, तब ये पूरी अच्छी तरह से सिक जाएंगे। अब हमें इसको इतना ये ब्राउन कलर आने पर हमें इसको निकाल लेना है। ये देखिए ये हमें इसको निकाल लेंगे हम दोबारा में। हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे, अभी इसको हम लाइट ब्राउन पे निकाल लेते हैं। पनीर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको कटिंग करके दोबारा से फ्राई करेंगे। अब आप इसकी कटिंग
ताकि बेसन ना हट जाए, बहुत केयरफुली करें। देखिए इस तरह से आप सारी कटिंग कर लीजिए पनीर की, और इसको हाई फ्लेम पे डालना है और आपको निकालना है। बस ये कुक बिल्कुल आपको खाने के हिसाब से हो जाएंगे। अपना पनीर इसमें डाल देते हैं, डालना है निकालना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं। अब हमें इसको डाल रहा है, ये देखिए बस अब इसको हल्का ही फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक पनीर सिक जाए। आपको अगर इसी तरह से खाना है बिना सिकाए हुए तो आप इसको इसी फॉर्म में खा सकते हैं। इसको ज़्यादा फ्राई कर ले पहले बार में, दूसरी बार ना करें। बस ये देखिए इस तरह से हमें इसको, ये देखिए सारे पनीर के पकौड़े हमने इसमें डाल दिए, देखिए फ्राई हो रहा है, ये देखिए कितने सॉफ्ट है, ये देखिए। बस आप इसको दूसरी बार में जल्दी, अब हम इसको आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सारी ज़रूरत है।